हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू जे एल झारखंड लाइव्स झारखंड नंबर वन यूट्यूब स्टडी चैनल दोस्तों आज है 27 जनवरी और हम लोग यहां पर आज 26 और 27 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप जे एल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं डेली शाम के सात बजे वहाँ पर पी प्रोवाइड कर दी जाती है तो पी के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर

तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए हम लोग यहाँ पर भी और भी महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग रांची जिले से करती है ये। तो के है, है? रांची जिले के, के की कुमारी को बाल से पुरस्कृत किया गया है ठीक है तो ये रांची जिले के सोना प्रखंड के टंगटंग गांव की निवासी है सविता कुमारी और इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है उन्हें यह अवार्ड खेल की श्रेणी में दिया गया है ये भी याद रखिएगा कि उन्हें यह अवार्ड जो दिया गया है वो खेल की श्रेणी में दिया गया है और ये है यहाँ पर सविता कुमारी जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में में देख देख पा रहे हैं हैं और और ये खेल से जुड़ी हुई और इनके बारे में यहाँ पर लीजिए देश भर के 32 बच्चों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है जिसमें झारखंड की सविता कुमारी शामिल हैं बचपन में ही सविता कुमारी का नामांकन कस्तूरबा में होने के बाद वहीं से उन्हें तिरंदाजी की जानकारी मिली और शुरुआती प्रशिक्षण के दौरान जिला स्तर के टूर्नामेंट जीत रही थी वर्ष दो में उनके प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू हुई जब उन

टीम इवेंट में भारत के लिए गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था और अन्य कई प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल जीते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा तो खेल किस रेनी की श्रेणी में झारखंड की रांची जिले की सोनातू प्रखंड के टंगटंग गांव की निवासी सविता कुमारी को यहां पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में लोकार्पण हुई पुस्तक अनुभूति सृजन पुस्तक की लेखिका कौन है ठीक है पुस्तक का नाम है अनुभूति सृजन पुस्तक की लेखिका कौन है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा तो ये है संगीता सहाय अनुभूति कौन है संगीता सहाय अनुभूति है जो कि अनुभूति सृजन पुस्तक की लेखिका है तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा और इस पुस्तक का हाल ही में लोकार्पण किया गया है लॉन्च किया गया है तो यहाँ पर देख लीजिए श्री साहित्य कुंज का पहला स्थापना दिवस चौबीस जनवरी को मनाया गया इस दौरान संगीता सहाय अनुभूति की पुस्तक अनुभूति सृजन का लोकार्पण किया गया इस दौरान सभी महिला साहित्यकारों को साहित्य गौरव साहित्य सेवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो इस पुस्तक के जो की पुस्तक का नाम है अनुभूति सृजन और इस पुस्तक की जो लेखिका है वो है संगीता सहाय अनुभूति चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों मतदाता दिवस के अवसर पर झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू झारखंड के कितने डीसी को सम्मानित की हैं तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा तो कुल cool डीसी जो है यहाँ पर वो तीन है कितने हैं तीन डीसी को सम्मानित की है हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर झारखंड की राज्यपाल तो चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं कि ये तीन डीसी जो है वो किस जिले के हैं तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 दिसंबर के अवसर पर झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कुल तीन जिलों के डीसी को सम्मानित की है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बेहतर कार्य के लिए रांची के डीसी छवि रंजन सिमडेगा के डीसी सुशांत गौरव और पश्चिमी सिंहभूम के डीसी अरवर राजकमल को सम्मानित की है इन्हें वोटर लिस्ट के बेहतर रिविजन प्रदेश के लिए सम्मानित किया गया है तो इन्होंने लिस्ट में बेहतर किया है। इन्हों पर वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और उसी के अवसर पर झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के तीन जिलों के डीसी जो है उनको सम्मानित की है यहां पर वोटर लिस्ट के बेहतर रिवीजन पुनरीक्षण के लिए चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए पिक्चर में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और दोस्तों तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 132 सौ बाई तैतीस ग्रिड सब की शुरुआत सिलन्यास कहाँ की है ठीक है हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक सौ ग्रिड सब की शुरुआत की है शिलान्यास किया गया है वो कहाँ किया गया है तो इसका सही आंसर पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इसका शिलान्यास शुरुआत जो की गई है वो बरहेट में की गई है कहां पर की गई है बरहेट में की गई है ये इनका विधानसभा क्षेत्र भी रहा है तो बरहेट में यहां पर एक सौ ग्रिड सब स्टेशन की शुरुआत की गई है शिलान्यास किया गया है चलिए हम लोग यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तो हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट में 132/33 ग्रिड सबस्टेशन और संचरण लाइन की शिलान्यास किए हैं इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि बरहेट को शीघ्र अनुमंडल बनाया जाएगा इससे पहले यहाँ बिजली पानी सड़क एवं शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी तो हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट में एक सौ बत्तीस ग्रिड सब स्टेशन और सेंट्रल लाइन का शिलान्यास किया है तो ये यहां पर पिक्चर में जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहां पर समाज सेवा के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार 2021 झारखंड में किसे प्रदान किया गया है ठीक है तो हाल ही में यहाँ पर जो है वो भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कृत की जो लिस्ट है सूची है वो जारी की गई है तो झारखंड से कौन है जिनको पद्मश्री पुरस्कार दो प्रदान किया गया है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो ये है छुटनी महत्व कौन है छुटनी महत्व है जिनको समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा और ये झारखंड की निवासी हैं सराय किला की निवासी हैं चलिए हम लोग यहाँ पर इनके बारे में पूरे डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं मैं एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कर चुका हूँ अगर आप वो नहीं देखें तो वो भी देख लीजिए मैं सारी डिटेल्स में उनकी कहानी बताया हूँ कि उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में झेला है और किस तरह से उन्होंने समाज के लिए बेहतर कार्य किया है तो यहाँ पर कुछ देख लीजिए महत्वपूर्ण फैक्ट्स तो झारखंड की छुटनी महत्व को पद्मश्री पुरस्कार जो है पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है डायन के नाम पर घर से निकाल दिए जाने के बाद भी छुटनी चुप नहीं बैठी बल्कि डायन के नाम पर प्रताड़ित लोगों को सहारा बनी और आज वह झारखंड ही नहीं अन्य राज्यों के प्रताड़ित महिलाओं के लिए ताकत बन चुकी हैं लगभग तिरसठ वर्ष इनकी उम्र है और छुटनी जो है वो छुटनी महतो जो है वो सराय किला के गमहरिया प्रखंड के बीरबाँस की रहने वाली है उन्हें यह पुरस्कार समाज सेवा के क्षेत्र में प्रदान किया गया है तो यह है आ, यहां पर देख पा रहे और इन्हीं को भारत सरकार ने हाल में यहां पर समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार दो से सम्मानित किया है तो ऑप्शन नंबर यहां पर जो होगा वो सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर भोपाल में चल रही अठारवी फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सुप्रीति कक्षप ने कांस्य से पदक जीती है सुप्रीति कक्षप झारखंड के किस जिले से संबंध रखती हैं तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो ये गुमला जिला से संबंध रखती है तो ठीक है सुप्रीति कक्षप जो है वो गुमला जिले से है और इन्होंने हाल ही में यहां पर भोपाल में चल रही है अठारहवीं फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीत जीत प्राप्त की है कांस्य पदक जो है यहाँ पर उन्होंने जीती है तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो चलिए हम लोग यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तो गुमला जिले की सुप्रीति कक्षा ने भोपाल में चल रही अठारवी फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 5000 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक उन्होंने प्राप्त किया है सुप्रीति ने सत्रह मिनट आठ सेकेंड का समय लेकर दौड़ पूरी की है और वही जो स्वर्ण पदक जीती हैं जो यहाँ पर वो उत्तराखंड की हैं और अंकिता कुमारी है उन्होंने सोलह मिनट सैंतीस दशमलव दौड़ पूरी कर स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है वहीं राजस्थान की जो है वो 17 मिनट तीन वो पर इन्होंने पदक जीता है। पर आप पिक्चर में देख पा रहे हैं और यह प्रतियोगिता जो है आयोजन की जा रही है वो कहा की जा रही है भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है दोस्तों यहां पर पिछले वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कौन सी योजना की शुरुआत की है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना क्या है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना है तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसानों की आय बढ़ाना है ठीक है अलग अलग माध्यम से बत्तख पालन से मुर्गी पालन से बकरी पालन से ठीक है तो अलग अलग तरह से यहाँ पर जो है वो किसानों के मुख्य जो उद्देश्य है वो आय बढ़ाना है और इस योजना का नाम रखा गया है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना तो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुछ लोग अलग अलग आंसर ऑप्शन जो है वो कमेंट कर रहे थे तो यहाँ पर चलिए डिटेल्स में देख लेते हैं तो झारखंड राज्य सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना को यहाँ पर जो है स्वीकृति उन्होंने प्रदान की है शुरुआत की है इस योजना के लिए कुल तीन सौ पचपन दशमलव दो सात करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है यह योजना राज्य और केंद्र के सहयोग से संचालित होगी योजना के अंतर्गत किसानों को गाय सुकर बकरी आदि जानवर अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे योजना को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए संबंधित विभागों को एक फॉर्म एक फॉर्म पर लाया जाएगा और इसके लिए जिला स्तर पर लक्ष्य निर्धारित कर अनुदान दिया जाएगा तो ऑप्शन नंबर की शुरुआत की, की है क्वेश्चन यहां पर आज का प्रश्न है कि राज्य के किसानों के फसल नष्ट होने पर क्षतिपूर्ति करने के, के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कौन सी योजना की लॉन्च की है ठीक है जो किसान के फसल बर्बाद हो जाते हैं क्षति हो जाती है तो उनकी भरपाई के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कौन सी योजना की शुरुआत की है लॉन्च की है तो चार ऑप्शन है आपके यहाँ पर दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं पहला ऑप्शन है झारखंड राज्य फसल राहत योजना मुख्यमंत्री फसल योजना झारखंड फसल योजना किसान राहत योजना तो आपको कमेंट करके बताना है कि फसल नष्ट होने पर क्षतिपूर्ति करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इनमें से कोई किस योजना की शुरुआत की है किस योजना का लॉन्च किया गया है तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में तो दोस्तों ये थी यहां पर आज की झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के अफेरिक्वेशन उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी जरूर लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर अफेरिक्वेशन देख सकें जल्द आ रहा है